दरअसल होता क्या है कि जो आपके रूट सिस्टम है ना वो ज़मीन के अंदर होते हैं, सामान्य रूप से ऐसा होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जितने भी सारे रूट सिस्टम होते हैं ना वो ज़मीन के अंदर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब होता क्या है कि जैसे आपके प्रॉप रूट इकोसिस्टम हो गए, प्रॉप रूट जिसको हम लोग स्तंभ मूल कहते हैं, तो स्तंभ मूल आपको कहाँ मिलेंगे, है ना। तो स्तंभ मूल कहाँ होते हैं, आपके जो है एडवेंटिटस रूट के टाइप है, एडवेंटिटस रूट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जो है ना क्या होते हैं, इनका जर्मिनेशन से होता है, वहाँ कहाँ से होता है, बीज के जो है रेडिकल वाले हिस्से को छोड़ करके होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थनिक बोलते हैं या एडवेंटिटस रूट कहते हैं। ये क्या करते हैं, जिसमें क्या होता है, कैनोपी बनता है, कैनोपी यानी कि जो है फाइकस बेंगालेंसिस में क्या होता है, एक कैनोपी बनता है जिसकी वजह से जो है ना उनके तने को सपोर्ट करने के लिए जो है, उनके तने को सहारा प्रदान करने के लिए जो है उसमें एक प्रकार का रूट सिस्टम, जिसमें जो है तब तक वृद्धि होता है जब तक कि वह जमीन तक ना आ जाए, और वह भी जो है ना पुनः आपके मेन सिस्टम जो है ना मेन तने की तरह बिहेव करता है, वह भी जैसे ही क्या होता है हैंगिंग करता है, और हैंगिंग करने के बाद जैसे ही वह क्या होता है ज़मीन के अंदर आता है ना, तो सेम कहानी की जो आपके रूट सिस्टम करते हैं उस तरह से प्रॉप रूट सिस्टम जो है आपके क्या है फाइकस बेंगालेंसिस में है, आपके जो है उस तरह से हैंगिंग रूट जो क्या होता है तने को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि जो आपके क्या है कैनोपी बनता है, जो ब्रांचेज होते हैं आपके आचार्य जगदीश चंद्र बोस टेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ पर जो आपको फाइकस बेंगालेंसिस यानी कि बरगद के पौधों में जो आप बहुत बड़ा कैनोपी है, यानी कि वहाँ पर इतने ब्रांचेज है ना उसमें आप देख सकते हैं, जो क्या है कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज के वहाँ पर BSI है, वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं आपके बरगद के पौधों में इतने कैनोपी हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्रॉप रूट है ना, तो हम लोग उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसका जो है मेन कौन सा स्टेम है, जो हैंगिंग रूट है जिसको हम लोग प्रॉप कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। तो इस तरह से जो है ना रूट सिस्टम भी क्या करते हैं, अपने काम को छोड़ते हैं, यानी काम को छोड़ना मतलब क्या, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण को जो है वो काम नहीं करता है, बाकी जो है दूसरा काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है रूप में अंतर हो जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं, और सीधे सीधे हम लोग अगर किताबी भाषा में बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरण या रूपांतरण कहते हैं, जो आपके जो है आपके स्टील रूट में भी होते हैं, आपके जो है जिसको हम लोग जटामूल